स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने एक ऐसा झटका दिया है लोगों को कि लोग खुश हो गए। इससे पहले जो भी SSC झटके देती थी, यानी कि SSC के जो भी कारनामे होते थे उनको देख के लोगों को दुख होता था, लेकिन इस बार SSC ने बहुत ही नाम का काम किया है। टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022-23 एज ऑन 6 जुलाई 2022, यानी कि 6 जुलाई 2022 को इन्होंने आज एक टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन निकाला है। और इसमें क्या बोल रहे हैं, सीरियल नंबर 6 पे देखिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2022 पेपर 1 जो आपका होगा CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो इन्होंने बताया है डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है 20/7/2022। जी हाँ, 20 जुलाई 2022 को एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, अप्लाई ऑन हो जाएंगे यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट रखी है 4/8/2022, यानी कि 15 दिन के अंदर ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ये बहुत कमाल की बात है। और जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है सभी की इन्होंने क्या कर दिया है, सभी की डेट केवल 15 दिन रख दी है, यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट आएगी वो 15 दिन में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। आगे कहते हैं मंथ ऑफ एग्जाम, तो मंथ ऑफ एग्जाम रखा है अक्टूबर 2022। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि SSC JHT 2021 की जो इन्होंने स्केड्यूल निकाली थी वो थी 22 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आना था, और सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते थे, और दिसंबर में आपका पेपर 1 होना था। लेकिन इन्होंने अब क्या किया है, 2022 उसका नाम रख दिया है। इससे पहले भी ऐसा काम हो चुका है। वो कब हुआ है, 2013 में हुई थी, 2014 में रिक्रूटमेंट हुई थी, लेकिन 2015 में किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, और जो 15 की रिक्रूटमेंट 16 में कराई गई तो उसको 16 का ही इन्होंने नाम दे दिया। तो अब 2021 की बात करें कि SSC JHT 2021 कहाँ गया, तो आप मान सकते हैं कि 2021 ख़त्म कर दिया गया। SSC JHT 2020 के बाद सीधा 2022 आ रहा है। और आगे देखें तो 2023 के इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो कोई यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है 2023 का, तो 2023 का कैलेंडर बाद में आएगा। 2022 वाले जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी रिक्रूटमेंट है वो इन्होंने दे दी है, और CGL का भी 2022 का एग्ज़ाम दे दिया, उसका भी टीयर 1 इन्होंने बता रखा है कब होगा, 10/9/2022 को। तो सभी का इन्होंने क्या कर दिया है, नाम चेंज कर दिया, और कुछ जो नोटिफिकेशंस है वो निकाले हैं, और बहुत ही स्पीड इन्होंने अप कर दी है। MTS के भी देख सकते हैं आप, CHSL 2022 वाली जो रिक्रूटमेंट है वो भी इसी साल में उनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, SSC अब रफ्तार पकड़ चुका है और बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अब बात करें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2022 की, तो 21 जा चुका है और 22 अब आ गया है, यानी कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर में, और जनवरी 2023 में आपका पेपर 2 होगा। उसके बाद में 3 महीने बाद आप मान सकते हैं अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर मई या फिर जून में आपकी डीवी हो जाएगी, और जुलाई या अगस्त तक, यानी कि 2023 के जुलाई या अगस्त तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है, बहुत ही स्पीड से काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो 15 दिन के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करवाने का जो ये प्रोसेस चालू किया है, जारी किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। और आज SSC ने आप सभी को एक नई आशा की नई किरण दी है, और अब आप सबको अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे अच्छी बात है, लेकिन जो अब तक सोच रहे थे कि 2 महीने रह जाएंगे तब तैयारी करेंगे, अभी टाइम है दिसंबर का, तो अब टाइम आपके पास 2 महीने ही है। अब जुलाई है, अगस्त और सितंबर, जुलाई यानी कि अभी काफ़ी दिन आप मान सकते हैं 25 दिन पड़े हुए हैं अभी जुलाई के, तो इसको भी आप एक महीना ही मान के चलिए। तो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2021 तो चलो बेचारा डूब गया, नहीं हो पाया, लेकिन 2022 से अब आप एक SSC के साथ चलिए, SSC बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। 2023 का भी जल्दी आ जाएगा नोटिफिकेशन, जहाँ तक है अप्रैल मई में निकाल देंगे, या फिर उससे पहले भी निकाल सकते हैं अगले साल। और 2022 के लिए जो इसके एस्पायरेंट्स थे तो वो उनको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और अप्लाई हो जाएंगे शुरू 20/7/2022 से। तो जल्दी उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन तब तक आपको इंतज़ार करना होगा, और अपनी तैयारी पर आप फोकस रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए।